हेलो दोस्तों, मैं है जसप्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेट टूथ की इस वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, आरोप है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू 650 करोड़ के टैक्स फ्रॉड में शामिल है। आयकर विभाग ने बॉलीवुड हस्तियों से जुड़े इस मामले में मुंबई, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में सर्च ऑपरेशन किया। शुक्रवार की रात को पुणे में अधिकारियों ने तापसी और अनुराग से पूछताछ की। अब इस पूरे मामले में पहली बार अभिनेत्री ने चुप्पी तोड़ी है और ट्विटर पर अपनी बात रखी है। दोस्तों, तापसी ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। तापसी लिखती हैं कि मुख्य रूप से तीन चीजों की तीन दिनों तक गहन खोजबीन की गई। एक, कथित बंगले की चाबी जो पेरिस में है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। अपने दूसरे ट्वीट में तापसी ने छापे के दूसरे पॉइंट के बारे में बताया। वह लिखती हैं कि कथित 5 करोड़ रुपए की रसीद जो भविष्य के लिए है। दरअसल अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया था कि तापसी पन्नू को 5 करोड़ का नकद भुगतान किया गया था और उसकी रसीद उनके घर से मिली है। और दोस्तों, अपने तीसरे ट्वीट में तापसी पन्नू ने लिखा कि माननीय वित्त मंत्री ने 2013 में मेरे यहाँ छापा मारे थे, अब सस्ती नहीं रही। यह तापसी ने कंगना पर कटाक्ष किया है क्योंकि कंगना उन्हें कई बार सस्ती कॉपी कह चुकी है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के आवास और दफ्तरों पर आयकर छापों को लेकर शुक्रवार को कहा, इन लोगों पर 2013 में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी मगर तब किसी ने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा। मैं किसी पूर्व मामले का जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन जब भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस तरह कार्रवाई की जाती है तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।